अस्सलाम वालेकुम शहीर भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं यार? कल लेट नहीं होना चाहिए। तमाम बॉयज को अभी ग्रुप में मैसेज डाल दो, मैंने तो डाल दिया था, तुम भी बोल दो, सही है कि सुबह 9 बजे सदाबहार पे मिले। सदाबहार पे वहीं नाश्ता करेंगे और आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। वहाँ खुराक पे फुल तैयारी हो गई है, जीप पे ऊपर जाना है और रात भर खूब हल्ला गुल्ला करना है। बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह, बस लेट नहीं होना, इस बात का ख्याल रखना। बहुत दिन हो गए भाई जी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? सब ठीक ठाक भाई? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ आ गए? नहीं अभी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं मुंबई? हैं मुंबई गोराखिल जा रहे हैं भाई। ये हमारे सारा गैंग है आज। कौन कौन है भाई हमारे गैंग में आज? गैंग ऑफ वासीपुरा। यार वासीपुर वालों क्या भाई, ये हमारे कोई भाई है, नाम मुझे इनका सबका भी सही नहीं आया। ये शरीर है, शरीर। क्या नाम है? अबे क्या नाम है, अजीब सा नाम रख दिया, शहीर। अच्छा अच्छा। और भाई अहमद, भाई अहमद ये याद रहते हैं यार, वो एक है ना अहमद क्या हाल है आपका? क्या नाम है यार? मेरा सुहेब। सुहेब नाम है इनका। और पीछे खड़े हैं हमारे बिलाल भाई ये। और एक और है वो ऑर्डर देने गए, उनको अपने यहाँ का आज का नहीं, आज का किंग नहीं भाई, आज का IMF IMF है वो आज के। हाँ हम सब लोन लेके खाते हैं, बाद में फिर उतारते हैं, ठीक है। तो आज का सफ़र है भाई खोराखिल की तरफ, चलते हैं। अभी यहाँ नाश्ता करेंगे सदाबहार पे, फिर उसके बाद आपको ज़रा रास्ते के मंजर भी दिखाएंगे और कहाँ कहाँ से गुजरेंगे वो भी आपको बताएंगे। हाँ भाई किधर आ गए खुर्रम भाई? क्या खिला रहे हैं आज? खाएंगे है क्या बताओ, क्या है आपके पास? ये हम आए सदाबहार में। सदाबहार में ये मशहूर जो है बड़ा होटल है, अक्सर हम लोग बाइकर क्लैन और गैंग्स तो यहाँ पे रुकते हैं, तो हम भी आज यहाँ पे रुके हैं और आपको दिखा रहे हैं नजारा और यहाँ के खाने का रिव्यू सब आपको मिलेगा ऑन खुर्रम व्लॉग। ओके भाई, मैंने आपको बताया ना कि आज ये हमारे IMF है, तो ये ऑलवेज फॉर द ब्रदर्स, ऑलवेज फॉर द ब्रदर्स, ये इनका बड़ापन है भाई, ठीक है। तो आप क्या खिला रहे हैं आज? चने भी खिलाएंगे आपको, पराठे भी खिलाएंगे, अंडे भी खिलाएंगे, जो भी होगा सब आपके पास आएगा भाई। ऐसा IMF होना चाहिए भाई, डोंट वरी। सेट नहीं निकलना चाहिए मेरा, चलो भाई चलें जी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हो रहा है टाइम 11 और हम लोग आ गए हैं कहाँ पे? पीते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ, उसके आगे आते हैं हमारे सारे जो है ना राइडर, कुछ इधर उधर रह गए वो देखें आप। हाँ
खाने वेट कर रहे हैं। यहाँ से हमने ड्रिंक वगैरह ले ली, पानी यानी पी लिया, अब यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से अभी है हमारा कोई 100-150 किलोमीटर, तो चले। वो भाई अभी यहाँ से हमारा तकरीबन जो सफ़र है ना बाइक का वो 100 किलोमीटर है। गोरख हिल तक जो 195, हाँ, बाकी भाई बांदी तक तकरीबन हमारा जो है 135-140 किलोमीटर है। लो भाई सुन लिया आपने, चले भाई फिर निकलते हैं यहाँ से और राइड इंजॉय करते हैं। भाई अल्हम्दुलिल्लाह 7 पहुँच गया। 7 जहाँ नादिर अली से रुके थे ना, वहाँ से 8 किलोमीटर है और यहाँ बहुत शोर है। कैसे करेंगे, डिस्टर्बेंस हो रही है। असल में यहाँ पे है ये आवाम, बट फाइनली चले अब 7 सफर कंटिन्यू करते हैं यार, बहुत लंबा सफर है। अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ पहुँच गए भाई कैलाश भाई? दादू सिटी पहुंच गए हैं। अहमद भाई अभी देर से आए, हम काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अब जो है ना यहाँ से हम जो जाना है, ये बोर्ड है ना आप देख रहे हैं वायपंजी लिखा हुआ, अब वायपंजी से हम इधर आ जाएंगे। आप यहाँ से दादू से आ रहे हैं और आपने यहाँ से वायपंजी जाना है। जो है ये पेट्रोल पंप है, लैंडमार्क है ये PSO का पेट्रोल पंप। ये दादू शहर में सबसे बड़ा पंप यही है, यहाँ पे बस स्टॉप और ये चिंची का स्टॉप बना हुआ है। ये आपको जहाँ नजर आएगा उसके सामने आप ब्लू बैंड बोर्ड देखेंगे, यहीं से ये लेफ्ट का रास्ता जा रही है। ये रास्ता जा रहा है। चलें जी अभी राइट। वैसे अभी तक कैसी रही आपकी? बहुत जबरदस्त, ऑल गुड, रास्ता बहुत अच्छा, मौसम बहुत ऑसम, हर जगह स्मोगी और बहुत क्लियर रास्ता, बहुत मजे से हम एंजॉय करते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई, रोड बहुत जबरदस्त था। अहमद भाई कैसा रोड था? बेहतरीन था। बाकी ये सब कहाँ रह गए, देर कर रहे हैं यार इन्होंने, यार कैसे भरवा कर लाते। यार बुन भाई कहाँ से आ रहे हो ये तुम? ये हम फिलिस्तीन गए थे। तो क्या हाल हो गया तुम्हारा? अल्हम्दुलिल्लाह भाई आपने देखा वाय पांडी पहुंच गए हैं। ये दादू डिस्ट्रिक्ट का जो है ना एक शहर है, ठीक है। बस अब यहाँ से आगे हम जीप लेंगे, एक हमारे दोस्त ने अरेंजमेंट करा था थाने के अंदर, तो है ना कोई है खास शख्सियत हमारे साथ है, उसने सारा अरेंजमेंट हुआ हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई यहाँ से निकलना है, दुआ करें सनसेट मिल जाए, बहुत लेट हो गए। हाँ जी, अब जो मेन बात है भाई, दादू से जब हम वाय पानी के लिए मुड़े हैं ना पेट्रोल पंप से, PSO पेट्रोल पंप से, वो जो रोड था ना वो आप मेरी कंडीशन थी कोई इंतहाई दर्जे का ऑफ रोड था। लेकिन कहला ये खुर्रम भाई आप उस ट्रिप के हवाले से, रूट के हवाले से ये लोगों को बताएं कि वो है कितने मजे का रूट। तो ऑफ रोड के जो शौकीन है जैसे मेरे, तो आपको बहुत मजा आने वाला है, मगर जो ऑफ रोड का शौकीन नहीं है ना। नहीं आप किसको कहना चाहते हैं ये वाली चीज? ये भाई ये बिल्कुल ऑफ रोड के शौकीन नहीं। बाइक यहाँ पार्क कर दी हमने और इसके बाद हम अपना बैग लेके अब आगे की तरफ, गाड़ी आ गई है। कहाँ है भाई गाड़ी? कौन सी गाड़ी है भाई? ओ ये रही भाई, गाड़ी आ गई है भाई। बैग रखवा दिए गाड़ी की छत पे और ये गाड़ी है, इस पे हम जाएंगे ऊपर गोरखहिल। हम वायपंजी पे आ गए, वायपंजी से मैंने बताया ना जो हम उधर तक आए ना अपने यहाँ दादू तक, बेहतरीन रोड था। और जब दादू से हम वायपानी आए ना इधर, ओ भाई स्ट्रीम की ऑफ रोड थी, खैर मज़ा बहुत आया यार। हालत बहुत ख़राब हो गई है, हमारे एक दोस्त ने यहाँ पे अरेंजमेंट कराया, हमने अपनी गाड़ियाँ अंदर लॉकअप में बंद करा दी हैं। अब उसके बाद ये इस गाड़ी में चलते हैं गोरखहिल, तो आए मेरे साथ। गाड़ी में बैठ गए, बहुत सुकून से जा रहे हैं भाई, सही है ना? बहुत फिट, झटके उठ के आ रहे हैं, आएंगे आगे सबके आएंगे। चलो भाई आप, भाई आप जो रास्ते भर गिरते आ रहे हैं, आप तो गिरे हुए आदमी है क्या भाई? एडवेंचर होना चाहिए यार, हम सब शादी कर रहे थे, आप लोग भी नहीं गिरे हुए यार, गिर जाते हैं यार। यही तो हमारे, यही तो हम बाइकर्स हैं, आप लोग गिरते पड़ते हैं। लेकिन जी भाई, जी भाई अगर पूरा बकरा खाना है तब 28,000 का, ठीक है
और अगर आपको कोई भी मटन की वैरायटी कढ़ाई एनीथिंग जो भी चाहिए दैट इज 4000 पर केजी और चिकन की सारी वैरायटी मिल जाएगी आपको। अब आप बताएं क्या खाना पसंद करें, चिकन खाने चिकन भाई पैसे सुन के ना चिकन पे आ गए पैसे सुन के हम लोग चिकन पे आ गए हाँ भाई मैं ये कह रहा हूँ कि पैसे सुन के ना हम लोग चिकन पे आ गए चिकन कढ़ाई खा लेंगे ये दम्पुक वाला दाल पे भी आ गया क्या फाइनल हुआ कढ़ाई खाएंगे हम गरीब लोग भाई डन हो गया ना डन हो गया 2 किलो कढ़ाई चिकन कढ़ाई थोड़ी सी रोटियां 20-25 चिकन ना यार आपने जितनी मेहनत करी ना रास्ते में आने में शायद किसी ने करी हो भाई रेट सुन के तो दाल पे भी आ गए थे बोला थोड़ा सा दिल पकड़ के चिकन पे आ गए क्या करे गोश्त खेल का ना तो ये शरीर क्या कर रहा है खैर लगना है यहाँ पे ठंड है भाई और जो है ना अब यहाँ से ऊपर जाएंगे बेहतर ये है कि आप वहाँ पे अपनी गाड़ियाँ पार्क करें भाई बांदी में गाड़ी है या बाइक है जो भी है और जीप पे सफर करें बहुत ही कोई खराब रोड है कहीं कहीं बहुत खूबसूरत पैच है ताकि हम भी हैरान हो गए यार बाइक पर ही आ जाते मगर आगे इतने गंदे गंदे खड्डे हैं कि आप परेशान ही हो जाएंगे इससे अच्छा है जो आपने वहाँ से कराची से वाइबांदी तक राइड करी है बेहतरीन है आराम से आ सकते हैं और उसके बाद जो आगे जाना है ना आपने वो जीप पे जाए बेहतर है हमने खाना ना बनवा लिया जैसा आपको पता है अब वहाँ पे खाने का इंतज़ार हो रहा है तो यहाँ से जीप में पहुंचे भाई और ये पाकिस्तान का झंडा ये है गोरखपुर हाँ भाई कैसा रहा अरे ओए बस पूछो मत सुनोगे पूछे सुनोगे सुनोगे पूछे ओए बड़ा लंबा सफर था बड़ा लंबा सफर लेकिन बड़ा मजेदार था हाँ भाई क्लाज भाई कैसा रहा ये बाइक पे आ जाते हैं आप इधर यार मैं जो खतरनाक रास्ता था उसमें आप बताएं मुन्नू भाई बाइक का ट्रैक नहीं है ना कुछ ज्यादा ही खराब हो चुका है मामला और जीप का भी ट्रैक नहीं है आप बताएं जी भाई बैठे बैठे जो फर्स्ट क्लास आगे बैठे हैं ना उसमें तो हालत बहुत बुरी हो गई
और बाइक पे वैसे ना आए तो बेहतर है, जीप पे जो है ये सही रहा ना, जीप पे आना बैग दे दो आगे फ्रेश हो और फिर रूम भी दिखाते हैं यहाँ पे कैसे आपको। चलें जी अब हम रूम में जा रहे हैं। ये है एसटीडीसी का रेस्ट हाउस, इधर हमने दो कमरे बुक कराए थे, देखते हैं कैसे कमरे। चलें ये कुछ इस तरह से है, जैसे हम आएंगे तो सब तरफ रूम्स हैं और ये बीच में ओपन एरिया है और ये रूम भी हमारा है और जो मेरे पास रूम है वो मैं आपको विजिट कराता हूँ। आप आके यहाँ पे अंदर भी कैंपिंग कर सकते हैं और लाइट वगैरह सब सहूलतें हैं, फुल ऑन है भाई, रश लगा पड़ा है। और ये हमारा रूम है। अरे शकीर भाई आपने रूम पे कब बेड पे कब्जा कर लिया फौरन ही? ये ले, थक गए? कैसा रहा? रूम भी अच्छा ही है, गाइस का रूम तो ऐसे ही होता भाई। अभी जो है इसकी हालत खराब हो रही है, वॉशरूम भी सही है इधर के। चले यहाँ पे ब्लॉग एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला मिलेंगे आपको किसी और नई जगह कंटेंट। क्या हुआ? ठंड हो रही है भाई यहाँ पे, ठंड हो रही है। हम लोग हाफ स्लीव पहने, ये नहीं समझे ये कमरे में थोड़ा अंदर है तो बचत है अभी, उसको फिर भी सर्दी लग रही है। चले भाई अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, इस ब्लॉग को एंड करते हैं। सुबह इधर दिखाएंगे कि क्या है नेक्स्ट ब्लॉग में आपको, क्या है कोरक हिल, तो रात का भी एक्सपीरियंस जो गुजरेगा वो भी आपसे शेयर कर देंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, वरना आप बोर हो जाएंगे, बहुत लंबा ये ब्लॉग हो जाएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज कर दो भाई।